यार ये ताबिश हाशमी है ना? सिराज बहुत लग गया लगने पड़ते हैं। अच्छा लोग मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कभी कभी समझते हैं या उसकी कॉपी। मुझे आर यू एन आर्टिस्ट कहता है ऐसा के लिए हमने भाई वीडियो नहीं। हां मैं भी फाइल लोदी बनाऊंगा। लाहौर का है? हां बिल्कुल। तो मजदूर भी पढ़ते हैं? धूप में अपना सूटकेस पड़ाता है उसको क्योंकि गार्ड को नहीं पता कि मैं कौन हूं। जा रहा हूं हां बच्चन नाम नाम। क्या सीन है? सीन हुआ मैं बस ये काम वाले कपड़े ले लिए। काम वाले कपड़े पहनेंगे और बस चलेंगे। चलेंगे चलें। मुझे कुछ सामान मंगवा दो। सामान? सामान क्या चाहिए? मेरे पास पैसा है रे। यार ये बंद करो ना ताकि बताऊं क्या चाहिए। ओ मैं समझ गया। मैं समझ गया जी करता। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आज के व्लॉग ये सीन है कि हम जा रहे हैं जिशान भाई की गेस्ट परफॉर्मेंस है ताबिश हाशमी के शो में। हाँ जी आज ताबिश को ताबिश हाशमी और ताबिश को आज टफ टाइम देने के लिए एक लाहौरी जा रहा है। नहीं टफ टाइम नहीं मेरा मेरे ताबिश मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं भाई हैं और वो बहुत प्रमोशन हो जाएगी इस ट्रिंक की नीचे रख। कोई गल नहीं हम असी टी वी चलाना है लोग फिर भी हो सकता है कल को स्ट्रिंग से कोई स्पॉन्सर मिल जाए। हाँ हो सकता है। यहाँ से राइट होंगे आप तो ताबिश आप ताबिश ताबिश हाशमी। हाँ, ताबिश हाशमी के बारे में बता रहा था कि ताबिश भाई जो हैं वो निहायत क्रिएटिव आदमी है और बात वो खूबसूरत होती है जो वक्त पे हो। टाइमिंग अच्छी हो। टाइमिंग अच्छी हो तो ताबिश भाई से अच्छी शायद किसी की टाइमिंग है इस वक्त जो टी वी शोज वगैरह लोग कर रहे हैं कराची से ताबिश भाई की बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग है। बाद में बंदे को बड़ी आमदें आती हैं लेकिन वो बाद में जहन में आई हुई जुगत वो मुक्का है जो लड़ाई के बाद याद आता है वो अपने मुंह पे मार लेना। और सबसे बड़ी बात ये है कि लाहौर जैसे जब मजाक का एक सेंटर समझा जाता है गढ़ समझा जाता है वहाँ जाके अपनी स्पेस बनाना बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। सो जुगते खाने जा रहे हैं बेसिकली हम आज ताबिश भाई से। आपका क्या इरादा है टफ टाइम कैसे देना है ताबिश? टफ टाइम नहीं मैं गाना गाना आता है मुझे मैं गाना गाऊंगा। ये तो नाक है ये तो नाक है जो है वो तो जान भाई बारीकी आप पे भी खत्म है। पैड शेड हमने पहन लिए हैं कि जुगते अगर जोर से लगे हैं तो कम तकलीफ कम तक लेकिन ठीक है कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने सुना जुगत भी वो सनशाइन की तरह होती है कि अगर काला कपड़ा पहने तो जल्दी लगती है। अच्छा बात फिर आज बहुत लग गया लगने इधर से लेफ्ट हो गया। लाहौर का है? हाँ बिल्कुल। तो मजदूर भी पढ़ते हैं ये है आगे आगे है मेरे ख्याल एंट्रेंस वो। अच्छा आपको देख के लोग बाहर भी आ रहे हैं फैन मोमेंट यहीं से शुरू हो गए। कहीं कोई आज मिले ना जाए फैन ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा लोग मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कभी कभी समझते हैं या उसकी कॉपी समझते हैं कोई शायद उन्होंने रूप धारा हुआ है। हाँ कि कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई करेक्टर कर रहा है या इधर होते हैं ना अक्सर वो। हाँ बैरूपी है जैसे सलमान खान का एक बैरूपी है। हाँ तो वो मुझे लोग समझते हैं ये उसको एक्ट कर रहा है हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा ग्रेसफुल आदमी है और मैं ये तो ज्यादा ग्रेसफुल हूँ। हाँ ये लेकिन लोगों को इस बात वो कोच है वो एक बंदा ना निशान भाई वो आया किसी बस की छत पे बैठ के तो आगे कहता है कि मैं बाय एयर आया हूँ। कैसे क्रिएटिविटी है ना ठीक है क्रिएटिविटी है। यहाँ से एंट्रेंस है इसके। क्या नाम? जिशान अली। खड़े रहे अब ये जहन में रहे कि ख्वाहिश थी उनकी और बस पूरी हो गई है वो तो वो कह रहे बस मैं उड़ा दूंगा मतलब मैं मायर के मुल्क आ गया हूँ आज ऐसा प्ले करूँगा मैं कि तौबा हो जाएगी। तो वो आया तो वो उसने पूछा आर यू एन आर्टिस्ट कहता है ऐसा तौबा का काम है ऐसा तौबा तौबा का इनको होमो सेपियन भी कहते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है बहुत ये जरूरत है मैचिंग भाई आपकी पैंट ब्लैक है आपकी ब्लू है ब्रांडिंग हो रही है यूनिवर्स छुपा ले ताबिश भाई उन्होंने किया हुआ है।
क्या करवाएंगे यार, थोड़ा खूबसूरत तशद्दुद नारायण कराना, हल्का फुल्का तशद्दुद नारायण कराएंगे, थोड़ा खूबसूरत लगना चाहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगना चाहता हूँ। नहीं यार, आप अभी भी खूबसूरत हैं। असल में मैं कंट्रोल कर रहा हूँ खूबसूरती को, कि कहीं ज़्यादा खूबसूरत ना लग रहा हूँ, तो मैं थोड़ा कम करवाऊँगा खूबसूरती को, कम कर दें, घटा दें। आपके साथ जो जियो में ये सेट पे ही होता रहा शुरू के 3 हफ्ते, वो उसके आगे हो जाएगा, एंट्रेंस पे गाड़ी में घुसने नहीं देते। सबसे ज्यादा अच्छा, हर आदमी आ रहा है अपनी गाड़ी लेकर, और जो होस्ट है ना उसकी गाड़ी वो दूर गली में पार्क की, वो पैदल धूप में अपना सूटकेस पड़ा आता है उसको, क्योंकि गार्ड को नहीं पता कि मैं कौन हूं, और सबके नंबर लिखाए हुए, मेरी गाड़ी का नंबर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट वो इस चक्कर में नहीं लिखा है कि ताबिश भाई को तो जानते ही होगा, इतना मशहूर आदमी हूँ सर, आपको कौन रुकेगा, मैं रोज रश में फंसा हुआ सूटकेस, जहाँ के लोग भी समझ रहे हैं जी वाले पैसे वैसे बच्चे गेट गेट आ रहे ताबिश भाई, हाँ बच्चे गार्ड से बहस कर रहे हैं, अबे यार जाने दे, हम जानते हैं, और गार्ड भी तस्वीर खिंचवा रहे हैं, जितना बोला जा रहे हैं उससे ज्यादा गेट पे। आपको दिखाते हैं कि शो में लाफ्टर कैसे लिया जाता है और रिकॉर्ड कैसे लिया जाता है। ये लाफ्टर लिया जा रहा है जा रहे हैं, चले हो भाई, क्या कितना बार तो किधर जा रहे हैं? सर ये हमारे शो में ना नए टैलेंट को धोखा देते हैं। अच्छा, ये देखे आप, नया टैलेंट है, लड़का है, बहुत अच्छा करता है लड़का, देखा देखा लगता है लड़का, दिखा दिखा है, ये पहले मथीरा इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप था, अब तो वैसे भी हुकूमत शेयर कर रहा है, ताबिश हाशमी शेयर, ताबिश हाशमी, यार ये ताबिश हाशमी है ना, हाशमी शेयर, ताबिश हाशमी नहीं ताबिश भाई, अबे मेरी नौकरी में तो बॉस है यार, शेयर शेयर। अबे बातों के लिए जी, हाँ जी जी, मैंने टाइम बड़ी मुश्किल निकाला है। चलते हैं पीछे, पीसीआर का राउंड लगा के देखते हैं कि पीसीआर में क्या चल रहा है।
और वहाँ पे हमें एक बंदे से मिलते हैं अजमल कसाब से, बड़ा मज़ा आएगा। अजमल गंदी बात है, गंदी भाई को भी रेडी करते हैं, गंदी बातें कर रहे हो तो हम तैयार हो ताबिश भाई के साथ। हाँ ताबिश भाई, ताबिश भाई क्या हाल है? ताबिश भाई जाकिर खान बोल रहा हूँ। चलो भाई चलो, ताबिश भाई जाकिर खान बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं माइक बंद किया हुआ है ना। अच्छा सर अब बोलो। ताबिश भाई जाकिर खान बात कर रहा हूँ। हाँ जाकिर बोलो ना। हो गया रोल करेंगे। शो तकरीबन ख़त्म होने वाला है और बड़ा ही मज़ेदार शो रहा। अब हम PCR से चलते हैं दोबारा सेट पे, और सेट से ताबे से भी बात करेंगे। जीशान भाई तो हमारे साथ हैं ही, तो चले। जीशान भाई के फ़ैन मोमेंट चल रहे हैं भाई। जान भाई के साथ एक सीन करते हैं, जान भाई के पास ऐसा फैन जाते हैं और कहते हैं कि जान भाई आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। जान भाई एक सेल्फी, जान भाई एक सेल्फी। आपका ऑडियंस नो एडियां ब्रेक गल्ला समझ नहीं आती ये बात, खास साहबा दे समझन वाली गल्ला ने, ब्रेक लोगों दे समझन वाली। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ फाइनली शो अपने अख्ताम को पहुंचा और अब हम वापस जा रहे हैं। जीशान भाई कैसा रहा? मज़ा आया। ताबिश भाई की जो एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव और बहुत शदीद होती हैं, तो एक एनर्जेटिक पर्सन है वो। मज़ा आया शो का, और इंशाल्लाह बस ये ऑन एयर होगा तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और फिर और बाकी अब हमारा व्लॉगिंग वाला सिलसिला कैसे चल रहा है? व्लॉगिंग वाला सीन इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करते रहेंगे। आने वाले दिनों में आपके लिए सरप्राइज़ भी होगा एक, हम किसी प्रोजेक्ट पे बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं, बहुत दिल लगा के, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा, एंटरटेनिंग भी होगा, और ये सबसे बड़ी बात बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा। अब इसी तमाम चीज़ों के साथ, वो जिस तरह अभी ताबिश भाई कह रहे थे कि इन चीज़ों के बाद ना कोई बात रह जाती है संजीदा और ना कोई सरकारी बात रह जाती है, बस ये है कि अल्लाह हाफिज़। और रज़ा हाशमी को सब्सक्राइब कर दें और जीशान भाई को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरीके से मिलते रहेंगे और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब।